हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कंचन टी के ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसके पहले मैं फूड का और ब्यूटी टिप्स का देती हूँ। आप लोग उसको भी जाकर के देखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा मेरे इस ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कंचन टी के ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं इसमें फूड का और ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ। आप लोग वहाँ पर जा कर के देखिएगा। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसमें सपोर्ट। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और चाय बनाने के बाद आप सभी से मुलाकात होती है। और मैं अभी इस वक्त अपने किचन में हूँ। ये मेरे चाय का बर्तन है, अभी मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद आप सभी से बातें कर। हम लोग की चाय हो गई है सवेरे की। अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। अब मैं लंच बनाऊँगी आज, क्योंकि 1:30 बज रहे हैं। और ये है ब्राउनी, ये ब्राउनी बहुत शैतानी करते हैं, ये खेलने, ये ब्राउनी पूरे खेलने के मूड में है। ब्राउनी बहुत ही शैतान है। और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं लंच बनवाने में, मेरा साथ देंगे। आज मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी लंच में, तो इसके लिए मैंने ये पनीर को मैंने थोड़ा घिस लिया है। ये देखिए, मैंने पनीर को थोड़ा कद्दूकस कर लिया है और थोड़ा इसकी कटिंग कर ली है। इस तरीके से पनीर भुर्जी अच्छी लगती है। और थोड़े से मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं, इसमें ये किचन किंग और ये कश्मीरी लाल मिर्च और ये कसूरी मेथी। ये देखिए, मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसमें भून लिया है। अब इसमें ये सारे मसाले हम इसमें डाल दिए मैंने। इसको हल्का सा भून लेंगे। इस तरीके से मसाले भून लेने से स्वाद अच्छा आता है। और देखिए फ्रेंड, ये मेरा मसाला बढ़िया भून गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये बहुत जल्दी ही बन जाता है पनीर भुर्जी। जब बहुत जल्दी कुछ बनाने का मन होता है तो पनीर भुर्जी, अगर घर में आपके पनीर है तो आप आराम से बहुत जल्दी ही इसको बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस इसने बस टमाटर बना लिया। अब इसमें नमक थोड़ा डाल के इसको ढक देंगे। जब तक मेरी सब्जी बन रही है तब तक मैंने कहा मैं रोटी बना लूँ, और मैं रोटी बना रही हूँ। एक तरफ रोटी बन रही है, एक तरफ सब्जी बन रही है, दोनों तैयार हो जाएगी एक ही साथ। मेरी पनीर भुर्जी का मसाला ये देखिए बनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा है। अब इसमें हम, मैंने पनीर काटा था, अब उसका अब इसमें हम डाल देंगे सारी पनीर इसमें। अब इसमें हम जो है आधी कटोरी से भी कम दूध डाल देंगे। ये पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया है। ये देखिए, ये पनीर भुर्जी सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई है। शाम के लिए मैंने ये टमाटर उबाले हैं, सूप की तैयारी की है। उस शाम को मैं सूप बनाऊंगी। अब इसमें मैंने इसकी तैयारी कर ली है। अभी अभी मैं किचन से आई हूँ। थोड़ी गर्मी थी आज, मौसम वैसा हो रहा, थोड़ा पसीना हो रहा था, लेकिन मेरा लंच बनकर तैयार हो गया है। और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी और बेटी आएगी तो उसके साथ खाना खाऊंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, शाम हो गई है और मैंने सभी पेड़ों में पानी डाल दिया है। लगभग सभी पेड़ों में पानी पड़ गया है। ये देखिए, सभी पेड़ों में पानी पड़ गया है। अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने मंदिर में अपने। अभी मैं दिया जलाने जा रही हूँ। ये देखिए, मेरी शाम की पूजा हो गई है। मैंने आरती दिखा दी है भगवान जी को। मेरी शाम की पूजा हो गई है। अब मैं जा रही हूँ शाम की चाय बनाने, और चाय बनाने के बाद जब पीते हैं तब आपसे बात करते हैं। चाय मेरी बन रही है, हमारी चाय बन करके तैयार हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चाय बन गई है और शाम की चाय मैं पी रही हूँ और मेरी बेटी पी रही है। और आज ये मेरा पहला ब्लॉग था। अगर कुछ आप लोग को सुझाव देना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा, और मेरे इस पहले ब्लॉग को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और कुछ भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कल मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी, धीरे धीरे अपने ब्लॉग को लंबा करूँगी। आज मैंने थोड़ा छोटा ही ब्लॉग बनाया है क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग था,
तो आप सभी को दिल से शुक्रिया मेरा इस ब्लॉग देखने को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए और मेरा साथ दीजिए, और मैं डेली कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाऊँ। थैंक यू सो मच।